वेलकम बैक कमांडर्स। तो आज हम देखने वाले हैं सेंचुरियन 7-1 ब्रिटिश टीयर 9 मीडियम टैंक, और प्लेयर है रायन केटीएम 3 फ्रॉम गून्स क्लैंस। ठीक है, तो ये मैप है स्टेप्स, और इसमें दो तरह की स्ट्रेटजी होती है, वन लाइन एंड जीरो लाइन। वन लाइन में जाते हैं हैवी टैंक्स, मतलब कि मेटल टू मेटल क्रश होता है, और ज़ीरो लाइन में जाते हैं ऐसे स्नाइपर्स जो कि तुम्हारा घात लगाकर हमला करते हैं। पीछे की तरफ रहती है टीडीज, सामने जाते हैं मीडियम और लाइट टैंक्स, और कई बार आप यहाँ पर हैवी टैंक्स को भी दे सकते हो। लेकिन हमारा जो प्लेयर है इस टाइम पे ज़ीरो लाइन में जा रहा है, और ये इस तरह की इस जगह से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा छुपते हुए, क्योंकि यहाँ पर छुपने का बहुत बढ़िया एरिया है। यहाँ पर आप गॉर्जेस साइड में देख सकते हो, यहाँ पर आप राइट में हो जाओगे तो आप बच सकते हो। और पहला एनिमी टैंक दिख चुका है और उसको एक शॉट पड़ भी चुका है, और इसके सामने ही इसका फ्रेंड हमारा एक और प्रोजेक्टो 46 जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर इन्हें कौन मिलेगा। ओके, ऊपर एक टैंक है एसटीबी वन टीयर 10। अभी तक इन लोगों ने यहाँ पर कोई आया नहीं है, तो हमारा प्लेयर बड़ा आराम से आगे बढ़ता हुए, और यहाँ पर ये आ रहा है, ओ माय गॉड, टीयर एट ब्रिटिश क्या बोलते हैं इसे, एंटी टैंक। इसका सामने का आर्मर बहुत स्ट्रांग है, बट इसका कोपोला बहुत ही मतलब इजीली पेनिट्रेट कर सकते हो। ये अपना सिर्फ हल डाउन है और अपना सिर्फ टैरेट शो कर रहा है, अपने एंगल को बहुत गन एंगल डिप्रेशन को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हुए। ये आया एक और टैंक लोअर प्लेट में, नहीं रैम किया और यूरिस को इसके फ्रेंड्स एंड साथियों ने ख़त्म कर दिया। बहुत ही बढ़िया, ये जो आप वैली देख रहे हो साइड में, ये बहुत अच्छा एरिया है गन डिप्रेशन को यूज़ करके एनिमी को काउंटर करने का। अब ये इस वैली पहाड़ी पे ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर एनिमी टैंक्स को ये साइड से शाइट शॉट्स देगा, और ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन शाइट से टर्रेट की साइड में एक शॉट। आर्टिलरी वहाँ से फायर कर रही है, ये झाड़ियों के पीछे से एक और बार डैमेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा एनिमी का टीडी टैंक डिस्ट्रॉयर, जो कि वहाँ पर छुपा हुआ था, लेकिन अब वो दिख गया है, हमारे प्लेयर ने स्पॉट किया, स्पॉटिंग डैमेज भी मिला। अब एक और शॉट जाएगा, ले सकते हैं। ओके, इनके साथियों ने पहले ही ख़त्म कर दिया उसको, नो प्रॉब्लम। और ये रहा आर्टिलरी को ब्लाइंड शॉट किया, दिखा लेकिन वो वहीं पर ही था पीछे जाते हुए। बहुत ही बढ़िया गेम प्ले, गन डिप्रेशन का इस्तेमाल और अपने टैरेट को शो करते हुए, जो कि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओके, इसको टरेट पे इसके ट्रैक पे मारा और डैमेज किया। अब ये काउंटर करेगा अपने साथी के साथ, एसटी कौन है ये, मुझे दिख भी नहीं रहा ठीक से, IS-32 डबल बैरल टैंक टीयर 9 का। अब देखिए इसको आगे आने देगा, एक शॉट एक्सचेंज किया हम लोगों ने, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब फिर दोबारा इनको चेज करते हुए एक और शॉट, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर ये दो टैंक फंस चुके हैं, हमारी टीम आ रही है धीरे धीरे, दो टैंक और है हमारे आसपास, और दोनों को ही ऊपर से किसी ने उड़ा दिया है, तुम्हारा टीम, हाँ हमारी आर्टिलरी ने उड़ा दिया है। अब बाकी की टीम को जब बस ढूंढना है और ख़त्म करना है। ये रहा एक साइड में साइड शॉट लेते हुए अमेरिकन टैंक्स को धज्जिया उड़ाते हुए यहाँ पर, और ये कर क्या रहा है, ये आधा ऊपर चढ़ गया, पता नहीं क्या सोच रहा था वो, अपना पूरा टैंक का सबसे वीक हिस्सा ऊपर का हिस्सा दिखाते हुए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हमें आगे कौन मिलेगा। यहाँ पर आर्टिलरी बैठती है मैक्सिमम टाइम, और कई बार पहाड़ी पर ऊपर तुम्हारा लाइट टैंक या फिर मीडियम टैंक भी होते हैं राइट साइड में, जैसे यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कोई आर्टिलरी बैठी है कि नहीं।
उसका भी सफाया कर देंगे। ओ तेरी, यहाँ पर आर्टिलरी है, और वन शॉट करते हुए आर्टिलरी को, बहुत ही बेहतरीन। देखो इसके ऊपर गोल्ड राउंड्स यूज करे जा रहे थे। अब बचा हुआ 3-4 टैंक्स बचे हुए हैं एनिमी के, ढूंढते हुए इनको घात लगाते हुए। ये बहुत ट्रिकी शॉट हो सकता है, फेदर करना पड़ेगा इसे अंदर। एक आउट, हल्की सी आउटलाइन में अगर लगे तो बहुत ही बढ़िया होगा आरएनजी की तरफ से। हो भगवान करे इसने आरएनजी भगवानों से अपनी प्रार्थना कर ली हो कि शॉट्स जाए इसके। कहा जा रहा है ये। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। T-150 वहां पर आ गया था क्या? किसको मारा इसने? T-10 था वो। ओ माय गॉड, T-10। और वो साइड में VK था, VK-45। उसने स्पॉट किया था, दो शॉट्स T-10 को मारे। अब हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टो बचा हुआ है और एक IS-2 भी बचा हुआ है, डबल बैरल टैंक। और ये आरएनजी ने बोला नहीं, तुम बेचारा तुम इसको और मार नहीं सकते हो, इसलिए इसने अपनी टारगेट को थोड़ा झटक झड़क दिया। ये पेनिट्रेशन प्रोजेक्टो में, प्रोजेक्टो भाग रहा है, उसका एक शॉट पता नहीं कहाँ चला गया हवा में, ये भी मिस था उसका। और इसी के साथ प्रोजेक्टो की हालत खराब और ख़त्म। देखो क्या बढ़िया 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 सीन नज़र आ रहे हैं, क्या बढ़िया कैमो है हमारे टैंक के ऊपर, मज़ेदार। और प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि हम लोग सीखेंगे कि हम वर्ल्ड ऑफ टैंक्स कैसे खेला जाता है प्रॉपर तरीके से बिना हारे। और हम इसकी एंड प्लेट्स भी देख लेते हैं इसी के साथ। और दोस्तों ये देखो कितने सारे मेडल्स हैं हमारे रायन के T-3 के पास। एस टैंकर है, स्पॉटर है, मीडियम टैंक है, हैंड ऑफ गॉड, ब्रूजर, ड्यूलिस्ट, फायर फॉर इफेक्ट, और ये पेस्क्यूचीज मेडल, दो SPGs को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लास्ट लेवस लेहो मेडल, डिस्ट्रॉइंग 2 टैंक्स और टैंक डिस्ट्रॉयर विद मीडियम टैंक इन वन बैटल। और वो टैंक तुमसे एक टीयर ऊपर होने चाहिए, मतलब कि T-10 को डिस्ट्रॉय किया उसने। हाई कैलिबर टैंक स्नाइपर, दूर से मारने के लिए, 300 मीटर से ज़्यादा की दूरी से मारने के लिए। और टॉप गन, देखो कितने सारे टैंक्स को उसने डिस्ट्रॉय किया है। और देखो 7,000 डैमेज, 7 किल्स के साथ, और XP मिला है 1746। 20 शॉट्स फायर किए, हिट हुए, और 20 के 20 पेनिट्रेशन। दो शॉट्स इसने जो शायद ब्लाइंड शॉट या फिर दो बाउंस हो गए। और ये दो विद प्रीमियम 31,000, 31,000 क्रेडिट्स, बहुत ही बढ़िया। इसने गोल्ड फायर किया तो फिर उसका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। और कंज्यूमेबल्स भी इसने यूज़ किए बहुत सारे, 3 कंज्यूमेबल्स यूज़ किए, तो वो भी चीज़ इसने यूज़ करी।